हेलो दोस्तों, जीनियस वर्ल्ड के एक और वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2020 जाते जाते न जाने हमें और क्या क्या दिखाएगा। ये तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवीज की तरह हो रहा है, जहां एक वायरस ने पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दिया हो। और अभी हम इस वायरस के खतरे से उभरे भी नहीं, तभी अमेरिका के यूटा प्रांत में एक मिस्टीरियस मोनोलिथ ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को बेहद ही हैरान कर दिया है। आखिर ये मेटल के मोनोलिथ क्या है और पूरी दुनिया में ये क्यों प्रकट हो रहे हैं और बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से गायब भी हो जा रहे हैं। तो आखिर इन मोनोलिथ का रहस्य क्या है, क्यों ये दुनिया के अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं और इतने बड़े आकार के मोनोलिथ आखिर आए कैसे और इन्हें लाया कैसे गया? क्या ये कोई एलियन से जुड़ी हुई घटना है या कुछ और? तो दोस्तों, चलिए मिलकर पर्दा उठाते हैं 2020 के सबसे बड़े रहस्यमयी घटना से। इंसान हमेशा से ही उत्साहवर्धक और खोजी प्रवृत्ति का रहा है। वे अक्सर कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं और इन खोजों में उन्हें तरह तरह की चीजें मिलती रहती हैं। फिर चाहे वो पुरानी कलाकृतियां हो या किसी सभ्यता के अंश या फिर पूरी की पूरी एक सभ्यता, ये सभी खोजें खोजकर्ताओं को चकित तो करती हैं, पर इंसानी आबादी से सैकड़ों किलोमीटर दूर इन बीहड़ रेगिस्तानों में पाए गए ये मोनोलिथ वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरानी में डाल रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को अपने रहस्यों से विस्मित करने वाले इन मोनोलिथ का अगर मतलब खोजा जाए तो मिलेगा एक बड़े पत्थर से बना स्तंभ जो एनिसेंट लोगों के द्वारा खड़ा किया गया था। लेकिन अगर हम मेटल के इन मोनोलिथ को, जिन्हें यूटा के बीहड़ रेगिस्तानों में सबसे पहले देखा गया था, अगर इन मोनोलिथ पर हम नजर डालें तो ये कहीं से भी पुराने नजर नहीं आते। यहां तक कि इन मोनोलिथ पर किसी भी तरह के खरोंच के निशान तक नहीं है। 18 नवंबर 2020 को जब एक हेलीकॉप्टर क्रू यूटा के इन रेगिस्तानों के ऊपर से गुजर रहा था, तब उन्हें एक त्रिभुजाकार चमकदार धातु दिखाई दिया। और जब क्रू ने इसके बारे में पता लगाया तो उन्हें इस बड़े से मोनोलिथ के बारे में पता चला और उसके बाद यूटा के मोनोलिथ की ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। किसी को भी ये नहीं पता था कि ये क्या है और किसने इस रेगिस्तान में इसे रख दिया है। सामने आई तो बस कुछ खोजकर्ता, साइंटिस्ट और एलियन थ्योरिस्ट की कुछ अटकलें। सबने दुनिया के सामने कुछ अलग अलग थ्योरीज रखी, किसी ने भी कुछ पुख्ता सबूत दुनिया को नहीं बताया। करीब 9.8 फीट का ये लंबा मोनोलिथ यूटा के इस बीहड़ रेगिस्तान में अगले 9 दिन तक वहीं रहा। दुनिया भर के लोग इसे देखने वहां पहुंचे, पर 27 नवंबर को बेहद ही रहस्यमय तरीके से ये मोनोलिथ गायब हो गया। संयोग से अगले ही दिन अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर रोमानिया के बाडका डोमेना हिल पर बिल्कुल यूटा के जैसे दिखने वाले एक मोनोलिथ दिखा गया और अगले ही दिन वो भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद से ये रहस्यमय मोनोलिथ दुनिया के हर कोने में दिख रहे हैं और गायब भी होते जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में करीब 9 लोकेशन पर अभी तक इन मोनोलिथ को देखा जा चुका है। कहीं ये साइज में छोटे होते हैं तो कहीं ये बड़े, कहीं ये सिल्वर कलर के होते हैं तो कहीं ये गोल्डन कलर के। और अब रिसेंटली पोलैंड में एक नहीं बल्कि दो दो मोनोलिथ को एक साथ देखा गया है। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में उमड़ रहा है वो ये है कि आखिर ये मोनोलिथ क्या है और कौन इन्हें दुनिया के कोने कोने में लगा रहा है और फिर बड़े ही अजीब तरीके से इन्हें हटा ले रहा है। आखिर इन सबका मतलब क्या है? सोशल मीडिया में वायरल हो जाने के बाद लोगों ने इन्हें एलियन से भी जोड़कर देखा और वहीं कुछ ने इसे गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट तक बता दिया। हालांकि इन सारे प्रकरण के बीच एक यूट्यूबर एंडी लिविस सामने आए, जो कि अपने बेस जंपिंग के लिए प्रख्यात हैं, और इस यूट्यूबर ने ये दावा किया कि यूटा के मोनोलिथ के गायब होने में पूरा हाथ इन्हीं का है। उन्होंने अपने इस दावे के साथ एक वीडियो भी सामने रखी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने यूटा के मिस्टीरियस मोनोलिथ को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हटाया था। और उन्होंने ऐसा करने का कारण ये दिया कि मोनोलिथ की खबरें वायरल हो जाने के बाद से मोनोलिथ को देखने काफी सारे लोग भारी मात्रा में आ रहे थे
और इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को खराब कर रहे थे। लोग बेहद ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर इस जगह पर जहां तहां गंदगी फैला रहे थे। लोगों से अछूती इस जगह की संरक्षण के लिए इस मोनोलिथ को तोड़ दिया गया, लेकिन बाकी के मोनोलिथ कहां से आए और कहां गायब हुए, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। और इस रहस्य के जवाब में हमेशा की तरह वैज्ञानिक, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अपनी अपनी थ्योरी लेकर दुनिया के सामने आए। कुछ थ्योरीज ने इसे दूसरी दुनिया का सिप बताया और कहा कि ये दूसरी दुनिया के लोगों के द्वारा हमसे संपर्क बनाने का एक डिवाइस है। वहीं इन सभी अटकलों से परे 23 नवंबर को यूटा के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बताया कि ये स्ट्रक्चर किसी आर्टिस्ट ने अपने आर्ट दिखाने के लिए लगाया होगा, या फिर सन 1968 में आई साइंस फिक्शन फिल्म 2001 स्पेस ओडिसी के किसी फैन के महज ये एक प्रैंक हो सकता है, क्योंकि उस फिल्म में भी हूबहू एक काले रंग का मोनोलिथ ह्यूमन रिवोल्यूशन को दर्शाने के लिए दिखाया गया था। दुनिया भर में देखे गए इन मोनोलिथ के रहस्यों पर अभी भी बस अटकलें ही सामने आ रही हैं। अभी तक किसी आदमी या आर्टिस्ट ने इनकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर दुनिया में देखे जा रहे हैं, वैसे वैसे रहस्य की कड़ियां इन स्ट्रक्चर से जुड़ती जा रही हैं, और सामने बस रह जा रहे हैं कुछ सवाल। और सवाल ये कि आखिर ये कौन कर रहा है और यह क्यों कर रहा है? क्या ये किसी एक व्यक्ति का काम मात्र है, या फिर इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है, या फिर जैसा थ्योरिस्ट ने बताया किसी दूसरी दुनिया के लोगों का? अगर ये किसी एक आदमी का काम है तो कैसे वो इतनी अलग अलग लोकेशन पर मोनोलिथ को लगा रहा है? और अगर ये कोई संगठन का काम है तो अब तक कोई सामने क्यों नहीं आया? कोई क्यों इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर को इतनी दूर रेगिस्तान में ले जाता है और वहां पर गाड़ देता है? और ये मोनोलिथ दुनिया के कोने कोने में दिखने के बाद गायब कैसे हो जा रहे हैं? इसका जवाब तो लगता है सिर्फ समय के गर्भ में है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने को मिले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही अपने किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाज़त। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।